आज हम जानेंगे दो तोतों की कहानी। एक दिन की बात थी, एक जंगल में दो तोते रहते थे। वो बहुत सुंदर थे और उसकी छवि पंख बहुत ही सुंदर थे। उनसे तोते के साथ उसका छोटा भाई भी रहता था। वो दोनों जंगल में खुशी से रहते थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने तोते की इस जोड़ी को देखा और सोचा, ये तोते तो बहुत सुंदर है और इन तोतों को मैं राजा को उपहार में दूंगा। उस शिकारी ने जंगल में अपना जाल बिछाया और वो दोनों तोतों को पकड़कर अपने पिंजरे में रखा और अपने घर वापस आया। वो शिकार ने राजा से कहा कि राजा जी, देखिए तोतों की सुंदर जोड़ी, मैंने इन्हें जंगल से पकड़कर लाया हूँ। इनके आप सुंदरता देखो, मैंने सोचा मैं आपको उपहार में दूंगा। आपके राजमहल की खूबसूरत में बहुत ही सुंदर दिखेंगे। राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने शिकारी को 200 सिक्के का इनाम दिया और राजा ने दोनों तोतों को सोने के पिंजरे में रखा और अपने सेवक को बोला उनकी देखभाल करने के लिए। आदेश दिया तोतों के अच्छे तरह ख्याल रखा जाना चाहिए। स्वादिष्ट खाना दिया जाता था, उनको फल दिया जाता था। सबको महल में तोते बहुत पसंद थे। राजकुमार भी उनके साथ खेलने आते थे। तोते बहुत खुश थे, सब कुछ उन्हें बिना मेहनत का मिल रहा था। बड़े तोते ने अपने भाई से कहा, इस महल में काफ़ी इज्जत मिल रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन शिकारी काला बंदर लेके आया। उसने काला बंदर नाम रखा था। शिकारी ने कहा, मैं राजा को उपहार में दूंगा। राजा ने सेवकों को बंदर को अपने आंगन में रखने के लिए कहा। राजा और उनका बेटा छोटा राजकुमार बंदर के हरकत देख के बहुत खुश थे और हैरान भी, और जल्दी ही बंदर ने सभी को अपने तरफ किया था। बंदर आने से तोतों पर कोई ध्यान नहीं देता था, कभी तो उनको खाना भी नहीं मिलता था। दोनों तोते पता चला कि जल्दी उनके दिन बदल लेंगे, इसलिए उनको उदास नहीं होना। उसने अपने बड़े भाई ने बोला, इस दुनिया में कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। जब तक हम बुरे दिन ख़त्म नहीं होते तब तक धीरज रखो। एक दिन बंदर राजकुमार के आगे कुछ पेश कर रहा था और उसने राजकुमार से डर गया और वो चिल्लाया, मेरी मदद करो। राजकुमार की आवाज़ सुनकर सभी सेवक उनके पास आ गए और वहाँ से राजकुमार को ले गए। राजा को ये सारी बात पता चली तो सेवकों को आदेश दिया बंदर को वापस जंगल में छोड़ दिया जाए। तोते की बुरे दिन खत्म हो गए, उनके अच्छी तरह देखभाल होने लगी, अच्छा खाना मिलने लगा। छोटे भाई को समझाया, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस कहानी से हमें ये सीख मिली, कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए हमेशा धीरज रखना चाहिए।